एएनवी न्यूज़ हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं राजनपुरी कोविड 19 की अपडेट के साथ आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आज पहली बारिश ने जहां किसानों को खुश किया है, वहीं जो है जल जमाव के चलते जो है मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। आज ऊना जिला से जो है 206 सैंपल टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए भेजे गए हैं, जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से संपर्क में आने वाले लोगों के 36 और बाहरी राज्यों व रेड जोन व विदेशों से आने वाले लोगों के 165 सैंपल शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि फॉलोअप के 5 सैंपल भी इसमें शामिल हैं। आज जहां बारिश ने जो है किसानों के चेहरे खिला दिए हैं, क्योंकि बारिश के चलते जो है जो रोग लगा था मक्की को वह अब हट जाएगा, वहीं कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल जो है वह खोल दी है इस बारिश ने। जहां जो है जल जमाव हो गया है, एसपी कार्यालय में पानी घुस गया है, डीसी कार्यालय में पानी घुस गया है, फायर ब्रिगेड द्वारा ये पानी निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि कैमरामैन को कहेंगे कि बताएं कि कैसे जो है वो पानी निकाला जा रहा है। देखिए एसपी कार्यालय के अंदर जो है वह पानी पूरी तरह से घुस गया है। कर्मचारी जो हैं, एसपी कार्यालय के कर्मचारी जो हैं, वह इस पानी को निकालने में लगे हुए हैं। हालांकि ये पहली बारिश है, पहली बारिश ने ही इतना रंग दिखा दिया है कि एसपी कार्यालय के अंदर देखिए कैसे पानी घुस गया है। हालांकि ये पानी निकाला जा रहा है कर्मचारियों द्वारा, लेकिन कार्यालय में बैठना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि ये पहली बारिश थी, प्रशासन बड़े दावे कर रहा था कि नाले व नालियों को साफ किया जाएगा, पर यहाँ प्रशासन के दावे खोखले नज़र आ रहे हैं। पहली बारिश के चलते ही जो है कार्यालयों में, डीसी कार्यालय के नीचे कोर्ट परिसर में जो है वह पानी घुस गया है। आपको बता दें कि हालांकि ये बारिश थोड़ा समय के लिए हुई है, लेकिन इस बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एसपी कार्यालय, जिलाधीश कार्यालय व कोर्ट परिसर में जो है वह पानी घुस गया है। यहाँ जो है प्रशासन की पोल खुली नज़र आती है, बड़े दावे कर रहे था प्रशासन कि नालियाँ साफ़ की जाएंगी, नाले साफ़ की जाएंगे, बैठकें की जा रही थी। जिलाधीश ने पीडब्ल्यूडी विभाग को, नगर पालिका विभाग को ये जिम्मा सौंपा था कि नाले और नालियाँ साफ़ की जाएँ, क्योंकि बरसात आने वाली है जिसके चलते जल जमाव ना हो सके। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की पोल खुल रही है। पल पल की जानकारी के लिए बने रहिएगा एएनवी न्यूज़ हिमाचल के साथ।